नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। कई बार हमने शिक्षा के अधिकार पर चर्चा की है, कई बार शिक्षा के अधिकार पर सरकारी ऐलान भी खूब सुने गए हैं, लेकिन इस अधिकार का अहम एक्ट 134A यानी गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार वो अब तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि इस एक्ट और अधिकार के बीच फासला है दाखिले का। शिक्षा का अधिकार तभी मुकम्मल हो पाएगा जब वाकई गरीब बच्चों को भी स्कूलों में एडमिशन मिले, खास तौर पर निजी स्कूल में, लेकिन वो कैसे मिलेगा ये एक बड़ा सवाल है। यमुनानगर में आज निजी स्कूल एसोसिएशन हड़ताल पर हैं। चंडीगढ़ में निजी स्कूल संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की नीतियों के खिलाफ रणनीति तैयार की गई। खींचतान लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन इस खींचतानी के बीच फंसे बच्चों का क्या होगा जो दाखिले की दौड़ में पिसने को मजबूर है। तो एडमिशन के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कहीं किया गया है, कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। 134A पर स्कूलों में संग्राम देखने के लिए मिल रहा है। गरीब बच्चों के भविष्य से मजाक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो फासला है वो फासला तय नहीं किया जा सका है। यमुनानगर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की हड़ताल, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला देने पर रार बची हुई है। अप्रैल का महीना है और इसी महीने में एडमिशन अपने चरम पर होता है, लेकिन 134A के तहत जिन बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए उन बच्चों को एडमिशन नहीं दी जा रही है। धारा 134A के खिलाफ हड़ताल का ये ऐलान किया गया है। अब आप सोचकर देखिए कि कितनी मुश्किल है गरीब बच्चों के सामने। गरीब बच्चों को एडमिशन देने पर ये तमाम प्राइवेट स्कूल आनाकानी कर रहे हैं और ये मसला है कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने ऐलान किया है, इधर स्कूल संघ की प्रेस वार्ता भी आज। दुबे में 134A पर एडमिशन को लेकर संग्राम जारी है। प्राइवेट स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को एडमिशन देने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ अभिभावक इसे निजी स्कूलों की मनमानी बता रहे हैं। अपनी दलीलों पर अड़े प्राइवेट स्कूल आए दिन हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं। कहीं मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, तो कई प्राइवेट स्कूल सरकार के खिलाफ लामबंद होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार और निजी स्कूलों के बीच चल रही रस्साकसी में गरीब बच्चों के भविष्य के साथ हो रही अनदेखी किसी को नजर नहीं आ रही। अप्रैल का महीना है, दाखिलों का दौर तेजी से बढ़ रहा है। अभिभावक इधर से उधर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं स्कूल में SLC देने के लिए अध्यापक नहीं है, तो कहीं प्राइवेट स्कूल बच्चों के दाखिले पर दादागिरी दिखा रहे हैं। यमुनानगर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की हड़ताल, RTE की धारा 134A के खिलाफ निजी स्कूलों की हड़ताल, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला देने पर रार, सरकार पर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप। चंडीगढ़ में निजी स्कूल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार की नीतियों को बताया विरोधी। 134A के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने पर रार लंबे समय से जारी है। हालांकि स्कूलों की मनमानी के खिलाफ समय समय पर सरकार कड़े कदम उठाती रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालक है कि मानने को तैयार नहीं और न ही गरीब बच्चों को एडमिशन देने पर कोई सहमति बनती दिख रही है। बहादुरगढ़ में 40 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी, 40 स्कूलों ने स्कूल में खाली सीटों का नहीं दिया था ब्यौरा। अप्रैल तक सभी प्राइवेट स्कूलों को खाली सीटों का ब्यौरा देना था। इसके अलावा मनमर्जी से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश भर में अभिभावक प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ खड़े हो गए हैं।
सोनीपत में प्राइवेट स्कूलों पर धारा 158 की अनदेखी का आरोप, गलत तरीके से दाखिला फीस लेने का आरोप। अब सवाल ये है कि आखिर कब खत्म होगी गरीब बच्चों के दाखिले पर रार? गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा? आरटीई के तहत कैसे मिलेगा निजी स्कूल में एडमिशन? क्या निजी स्कूल और सरकार के बीच बन पाएगी सहमति? क्या गरीब परिवारों को मिलेगा बेहतर शिक्षा का हक? क्या गरीब बच्चों को मिल पाएगा एडमिशन? इन सवालों के जवाब ढूंढना अहम है, क्योंकि एडमिशन पर मची रार के बीच गरीब बच्चों का भविष्य पिस रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सही समय पर सही कदम उठाए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सरकार पर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप है और अब इन तमाम चीजों के बीच बच्चे पिस रहे हैं। अप्रैल का महीना है, ये एडमिशन का महीना होता है, उसके बाद 2 महीने की छुट्टियां हो जाएंगी। यहाँ पर अभी निजी स्कूल एसोसिएशन हिलावाली दिखा रहे हैं, निजी स्कूल हिलावाली दिखा रहे हैं, तो आखिर कैसे ये फैसला तय होगा? बहुत सारे अहम सवाल है चर्चा करने के लिए। शिक्षाविद ओपी सहरावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सहरावत साहब नमस्कार। आरटीई के तहत तमाम बच्चों को, गरीब बच्चों को स्कूली शिक्षा का अधिकार दिया गया, ये कहा गया, लेकिन अभी तक ये फासला तय नहीं हो पाया है। सरकार पर आरोप निजी स्कूल एसोसिएशन लगा रहा है और सरकार की तरफ से भी इस फैसले का हल करने की कोई कोशिश भी नहीं की जा रही, कोई जल्दबाजी में भी नहीं दिख रहा है। आखिर ये ऐसा कब तक चलता रहेगा और कब तक बच्चे ऐसे वंचित रहेंगे? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बच्चों का भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। जो शिक्षा आज का अभिभावक अपने बच्चों को देना चाहता है उसकी तरफ सरकार और सरकार की नीतियां विमुख होकर के उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हैं। यही एक मुख्य कारण है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत प्रयास करने के बाद भी संख्या नहीं बढ़ रही है और प्राइवेट स्कूलों में जो है भीड़ जमा हो रही है और छोटे से छोटा जो हर प्राणी जो प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों भाग रहा है, इसके विशेष कारण खोजने होंगे। सरकार को उनका हल करना होगा, अभिभावकों को भी ये सोचना होगा कि किस स्तर पर वो चाहे अपना कुछ भी प्रयास करें, वो अपने बच्चों को मतलब वो शिक्षा देना चाहते हैं जिसमें रोजगार उन्मुख हो। राजकीय विद्यालयों के अंदर जो इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट होता नहीं है, और जहाँ बहुत पहले 10-15 साल पहले एक सब्जेक्ट इंग्लिश का रखा था, प्राइमरी स्कूल तक की जो टीचर्स हैं या जो अध्यापक हैं वो उस सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि 10वीं तक वो अंग्रेजी पढ़े नहीं है, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे ऐसे? 5वीं तक का जो कोर्स है, कहाँ पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स की इंग्लिश का फर्क हो जाता है? जहाँ प्री प्राइमरी एजुकेशन में ही बच्चों को संभालने की बात है, वो सरकार का उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। प्री प्राइमरी एजुकेशन से पहले जो बच्चों की नींव नर्सरी होती है उसमें इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाता है, वहीं से बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ देखने लगते हैं, गवर्नमेंट में उसका कोई उपचार नहीं है। तो ये बहुत दिन से ये बातें चली आ रही है, स्कूलों में नकली इसी आधार पे हो रही है, इसी तरफ गवर्नमेंट स्कूलों में संख्या कम हो रही है। पता नहीं क्यों नहीं जो है सरकार इस तरफ मतलब ध्यान देकर जब तक सीरियस नहीं होगी, तो 134 के तहत सरकार ने चाहे निर्णय जो हाई कोर्ट्स ने भी और दूसरी अदालतों ने जो निर्णय दिए हैं उसके अधिकार गरीब बच्चों को भी उन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन होना चाहिए। लेकिन बात क्या है, बात असली ये है कि उनमें खर्चे बढ़े हुए हैं, वो उन टीचर्स को पूरी तनख्वाह देते हैं तो वो फीस देंगे नहीं बच्चे। 75% बच्चे जो फीस देते हैं उनसे उनके शिक्षक जो उनको फीस देते हैं और रखरखाव और जो जमीन खरीदते हैं जिस लेवल पर वो उनको महंगी मिलती है, बिल्डिंग्स का खर्च होता है, तो वो मतलब जो मतलब अभिभावक या जिसने स्कूल स्टार्ट किया है वो ये तो चाहता है कि वो इजीली स्कूल रन करे, उसका नाम हो, और जब ये परिस्थिति हो जाती है कि लास्ट जो सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है खर्चा, तो वो भी ये समझते हैं कि भाई हम बच्चों पे फीस नहीं लगाएंगे तो हम कहाँ से लाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो है जिसमें गवर्नमेंट ने देना था 25% विद्यार्थियों का खर्चा गवर्नमेंट ने जमा करके इन स्कूल्स को देना था, वो गवर्नमेंट दे नहीं रही है, तो फिर 134A का जो मतलब उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्यवान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
आधी पहुंच रही है जी। सत्यवान जी, एक तरफ हम आरटीई की बात करते हैं कि बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार मिले, दूसरी तरफ निजी स्कूलों की जो दादागिरी है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि निजी स्कूल संघ को उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए जो कि इन तमाम चीजों के तले पिस रहे हैं? सरकार पर आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की जा रही ताकि ये मामला हल हो सके? ऐसे जी, निजी स्कूल है बिल्कुल गरीब बच्चों के हक में है, शुरू से हक में रहे हैं और आगे भी हम निजी स्कूल बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए पहले भी चाहते आज भी चाहते। हाई कोर्ट ने सबसे सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो फीस का खर्चा हुआ आप इनको स्कूल के बच्चों को दें, तो हम तो बिल्कुल रेडी है जी। हम तो मामला कहाँ फंस रहा है सत्यवान जी, कहाँ पेच फंस रहा है? इसमें सरकार राजनीति कर रही है बिल्कुल। जब सरकार गरीब बच्चों का खर्चा देने के लिए तैयार ही नहीं है, पूरे हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इतना बड़ा मामला आएगा और प्राइवेट स्कूल बिल्कुल तैयार है। हम तो वैसे भी दो तीन बच्चों को एक बच्चे बीच माफ करते हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास सत्यवान जी, आप फोन लाइन पर जुड़े रहिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौहान साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? चौहान साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। चौहान साहब आरटीई की बात कर रहे हैं, एडमिशन का वक्त हो चला है लेकिन अभी तक 134A के तहत जो गरीब बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए उस पर रार मची हुई है। निजी स्कूल एसोसिएशन कुछ और कहते हैं, संघ बनाकर बाकायदा इसका विरोध किया जा रहा है और अभी हमारे साथ एसोसिएशन के जो अध्यक्ष जुड़े हैं उनका ये कहना है कि सरकार इसमें राजनीति कर रही है, सरकार की दिलचस्पी नहीं है, अन्यथा बीच का रास्ता निकल सकता था। ये रवैया जो है चाहे वो सरकार का हो चाहे निजी स्कूल एसोसिएशन का, उसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। क्या कोई विकल्प है? एक बात को समझना जी, जहाँ हरियाणा के बच्चों की शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, हरियाणा के नागरिकों की आधारभूत सुविधाओं का मामला है, उसको हम राजनीति का विषय मानते ही नहीं। और इस समय कौन सा चुनाव है जिसपे राजनीति करने की का आरोप प्रतिपक्ष या कोई हम पर लगाए या एसोसिएशन के लोग लगाए? सरकार की एक कमिटमेंट है, गरीब बच्चों को कानून के अनुसार जो दाखिला मिलना चाहिए वो हम दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने कहा, उसमें कहा कि हम उसमें ढिलाई छोड़ने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि जो वैधानिक रूप से जिम्मेदारी बनती है वो निजी स्कूलों को निभानी पड़ेगी। तो कहां सरकार की मंशा संदिग्ध लगती है? लेकिन आखिर क्या वजह है कि पेज फंस चुका है चौहान साहब? एसोसिएशन ये कह रहा है कि सरकार नहीं चाहती, सरकार ये कह रही है कि निजी स्कूल नहीं चाहते, तो बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश तो होनी चाहिए ताकि एक बीच का रास्ता निकले, बच्चों का एडमिशन शुरू हो सके। अभी 2 महीने बाद छुट्टियां भी हो जाएंगी, अभी एडमिशन का समय है तो जिन बच्चों को उनका लाभ नहीं मिल पाएगा, आपकी मंशा स्पष्ट है, निजी स्कूल की मंशा स्पष्ट है, तो पेज कहाँ फंस रहा है? जहाँ जनहित का मामला होता है, जहाँ गरीब लोगों की मदद करने का मामला होता है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं होता, वहाँ बीच का रास्ता नहीं होता, वहाँ एक ही रास्ता होता है। एक ही रास्ता ये नहीं, तो जब दोनों ही पक्ष अपनी बात पर अड़े हों तो आखिर कोई विकल्प तो निकलना चाहिए ना, बीच का रास्ता तो तभी बनता है। आप भी, सरकार भी इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है, निजी स्कूल एसोसिएशन भी अड़े हुए हैं, तो आखिर क्या किया जाए इसमें? जो निजी स्कूलों की एसोसिएशन है उनको थोड़ा सा उदारता पूर्वक इस सारे मसले पर विचार करना पड़ेगा। उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी बनती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। और अगर उनकी कुछ समस्याएं हैं, सरकार की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि हम आंख मूंद कर बैठ जाएंगे, आपकी सुनेंगे नहीं, आपकी बात को बिल्कुल अनदेखी करेंगे, ऐसा तो नहीं कहा गया। बातचीत के, चर्चा के दरवाजे निरंतर खुले हुए हैं, परंतु आप अड़कर खड़े हो जाएं और आप यूं कह दें कि नहीं साहब हम नहीं देंगे, हम तो हमारा तो ये स्टैंड है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये अंदाज सही नहीं है। बातचीत के, संवाद के रास्ते निरंतर सरकार ने खोले रखे हैं, आज भी खुले हैं और एक बात पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जिन बच्चों का अधिकार बनता है उनको एडमिशन मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन यही विडंबना है कि सब कुछ स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर है, सरकार चाहती भी है, निजी स्कूल भी चाहते हैं, लेकिन बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे अहम सवाल है चौहान साहब, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सत्यवान कुंडू जी आप भी फोन लाइन पर जुड़े रहिए, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। सरावत साहब, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद उस आप पर भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या हो सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। C
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाराए भोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए, भोपाराए भोपाराए, सालों साल चलता ही जाए, भोपाराए भोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला भोपाराए मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने तो ढीला भी खत्म कर देता, सब बूटियां दी उमर ही बता दी। वाह भी वाह, सरताज जिस्म ने कमाल कर दी है। सरताज जिस्म ने बल्ले बल्ले करा दी खेचा। सरताज जिस्म वाले पठिया ने ते मज्जा दा दुध ही बता दिता। सरताज जिप्सम, नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपके सौफात क्यों खराब हो? Well, Mr. खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यू ही टेंशन लेता हूँ, लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वाद कर दे दीवारा श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन, शुद्ध घी भरपूर सेहत भरपूर स्वाद श्री नंदन, शुद्ध देसी घी श्री नंदन। चलिए खास खबर पर बात करें, उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके साथ साझा कर दें। बड़ी खबर इस वक्त की गोहाना से, जहां एक युवक की बेरहमी से पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई है। लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई है युवक की और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। CCTV में ये पूरी वारदात कैद हुई है। लेनदेन के विवाद को लेकर युवक को जमकर पीटा गया है। गोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें सीधी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, सीधे CCTV कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। आप देखिए कि किस तरीके से एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। 3 से 4 लोग अपने हाथों में ये हथियार लेकर और लाठी डंडों से लैस होकर वहां पर पहुंचे और युवक की जमकर पिटाई कर दी। बड़े खबर के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से युवक की पिटाई की जा रही है जमकर। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जिंदल है फोन लाइन पर। सुनील, आखिर कारण क्या रहा कि इस युवक की इस कदर बेरहमी से पिटाई की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक युवक की कुछ युवक डंडों से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। जो पिट रहा है वो युवक हरिओम है, जो डाकखाने में एजेंट का काम करता था। मामला ये है कि जो हरिओम है, इसने 10 महीने पहले अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक प्लाट लिया था, जिसके चलते इसका लेन देन प्लाट का हो भी चुका था, लेकिन जिससे प्लाट लिया था
वो उससे संतुष्ट नहीं था। उसका कहना था कि जो प्लाट के पैसे हैं वो अभी तक उसके पास नहीं पहुंचे, जिसके चलते हरिओम को जो है बार बार धमकियां मिल रही थी। और जो जो जिसका प्लाट था उस युवक ने जो है अपने चार पांच साथियों के साथ मिलकर जो है 5 तारीख को जो है हरिओम पर हमला कर दिया, जिसमें हरिओम की बेरहमी से पिटाई की गई है। हरिओम को इस समय जो है खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज पीजीआई में एडमिट कराया गया है, जहाँ उसकी एक टांग में फ्रैक्चर है, एक हाथ में, सर में भी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जो है 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और फिलहाल मामला यही है कि प्लाट का लेन देन इनका पहले से बताया गया है, जिसके चलते जो है इस युवक की सरेआम जो है डंडों से पिटाई की गई है। बिल्कुल सुनील, युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है क्या? हेलो सुनील, युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो युवक की हालत है वो खतरे से बाहर है, लेकिन युवक के गंभीर चोटें जरूर आई हैं। उसका एक अगर बात करें तो एक पैर और एक हाथ और सर पे जो है फ्रैक्चर हुआ है, और जो इससे में जो है उसका इलाज खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। फिलहाल युवक की हालत बिल्कुल अभी ठीक है, लेकिन फ्रैक्चर काफी जगह पर उसके शरीर में आए हुए हैं। सुनील बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। युवक की बेरहमी से पिटाई, और फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। और युवक का इलाज फिलहाल चल रहा है, उसके एक पांव में फ्रैक्चर है और हाथ में भी गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन आप देखिए कि किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, लाठी डंडों से लैस होकर सरेआम एक युवक की पिटाई की जाती है। इस पिटाई में कुछ भी हो सकता था, जमकर उसको पीटा गया है, लेकिन किसी भी कानून का कोई खौफ नहीं है लोगों में। चलिए खास खबर में हम बात कर रहे हैं आरटी यानी शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों के स्कूल में दाखिले की, जो अब तक संभव नहीं हो पाया। गरीब बच्चों का दाखिला कैसे किया जाएगा, क्या हो भी पाएगा, बहुत सारे अहम सवाल है। कांग्रेस की तरफ से केवल डिंगरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डिंगरा साहब, आवाज पहुंच रही है अब तक? आरटीए के तहत गरीब बच्चों को जो निजी स्कूलों में दाखिला देने का प्रावधान किया गया था, हैरत की बात यह है कि सिर्फ बातें की गई हैं, इस पर कोई काम नहीं किया गया है। निजी स्कूल एसोसिएशन की अपनी मनमानी है, सरकार भी इस मामले में कोई कदम उठाने को तत्पर नहीं दिख रही है। आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, ये तो आप बड़े बड़े वायदे करने वाली, बड़े बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार इस बात की जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार बनने से पहले लोगों को कितने बड़े बड़े वायदे अच्छे दिनों के किए, हम आएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, हम आएंगे तो ये हो जाएंगे। हमारे टाइम की जो लागू की हुई चीजें आज उनको नष्ट किया जा रहा है और उनको खराब किया जा रहा है, और उसके बाद भी वाहवाही लूटने के लिए इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोगों के भविष्य के साथ भी खेल रही है। चलिए बहुत शुक्रिया केवल डिंगरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे सरावत साहब, कैसे आप इस पूरे मामले का हल देख सकते हैं, कैसे हो? देखिए मैडम, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट है एजुकेशन का वो पर स्टूडेंट्स इतना अधिक हो जाता है कि 75% जो बच्चे हैं उनसे अगर हम फीस लें और 25% को हम ईमानदारी से अगर दाखला देते हैं तो हमारा वो स्टैंडर्ड जो चल रहा है, जैसे जो हमारे को गवर्नमेंट स्कूल जैसा ही बनाना है तो वो वैसा हो जाएगा, क्योंकि बगैर फीस के अच्छे टीचर्स हमें मिल नहीं पाएंगे, फिर हमारी जो भर्ती की प्रक्रिया है वही हो जाएगी, स्कूल डाउन चले जाएंगे, एजुकेशन का स्तर नीचे चला जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, हमारे पास समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बातें तो की गई है कि शिक्षा के अधिकार के तहत हर गरीब बच्चे को स्कूल में दाखिला दिया जाएगा, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा, सरकार को भी सोचने की जरूरत है और निजी स्कूल एसोसिएशन को अपने रवैये में बदलाव की। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Da 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 da